बिलासपुर जिले में कोरोना काल के दौरान ड्यूटी पर नहीं जाना एसएससीएल के कर्मचारी को भारी पड़ गया। एसएससीएल प्रबंधन ने इस कर्मचारी को लंबे समय से अनुपस्थित बताकर बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। वहीं पीड़ित कर्मचारी नौकरी पर वापस लिए जाने की मांग को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और 26 जनवरी की सुबह से एसएससीएल मुख्यालय के सामने पूरे परिवार सहित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया। साथ ही पीड़ित ने मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। चेतावनी के बाद एसएससीएल प्रबंधन में खलबली मच गई है और सुबह से ही सरकंडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में उसे पेश किया। पीड़ित का कहना है कि उस पर की गई कार्रवाई सही नहीं है। विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो साल में महज चंद दिन आते हैं, बावजूद इसके अधिकारी इन पर मेहरबान हैं। माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, 10 से 11 दिन मैं जॉब पे मतलब नहीं गया हुआ था और फोन से मैंने सूचना दे दी थी अपने प्रबंधक को। उसके बाद में मतलब 23 तारीख से खुद ब खुद लॉकडाउन लग गया था कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण। जब टैक्सी बस ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब चलेगा तब तो जाऊंगा ही, और मेरे को डिस्टेंस पड़ता है 13 से 15 किलोमीटर, 13-14-15, इससे ऐसा डिस्टेंस पड़ता है। मेरे जो प्रबंधक थे उनकी लापरवाही, और मैंने जब मतलब ड्यूटी जॉब पर जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति ना देकर 3 से 4 महीने तक पेपर को अपने केबिन में सवेरा सामने पेपर दबाया तो उसको 3 से 4 महीना और उसको 5 महीना का दरख्वास्त बनाकर सीधे सीधे कोरोना काल में ऑनलाइन सीधे टर्मिनेट का लेटर मार के